यहाँ पर लिस्टेड बाई देखो इन सब शॉर्ट्स वीडियो पर कितना ज़्यादा व्यूज़ है सो, एकदम भर भर के व्यूज़ आया है। आखिरकार मैंने इन सब वीडियोस पर क्या ट्रिक इस्तेमाल किया, कौन सा ट्रिक अप्लाई किया जिस कारण से इन सब शॉर्ट्स वीडियो पर इतना अच्छा खासा व्यूज़ आया। भाई साहब, अगर आपके शॉर्ट्स वीडियो का व्यूज़ एकदम से नहीं बढ़ रहा है, एकदम परेशान हो गए हो, हर तरह का ट्रिक अप्लाई कर लिया, बड़े बड़े यूट्यूबर की बातों को अप्लाई कर लिया, मान लिया भाई साहब एकदम परेशान हो गए हो, तो आपने सही रियल जेन्युइन वीडियो पर क्लिक किया। इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ ना, अपने शॉर्ट्स वीडियो को बूस्ट करने का, वायरल करने का जो तरीका, वो कोई भी यूट्यूबर नहीं बताया होगा, मैं लिख कर दे सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो जो सब शॉर्ट्स वीडियो नज़र आ रही है, ये कोई फेक नहीं है, ये रियल मेरा एक दूसरा चैनल शॉर्ट्स चैनल है और उस चैनल का ये सब वीडियो है। और देख सकते हो भाई साहब मिलियंस ऑफ व्यूज़, कितना व्यूज़ आया, मिलियंस ऑफ। भाई साहब परेशान हो गए, किसी ने इस टाइप का ट्रिक जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, किसी भी बड़े यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा। ऐसे तो व्यूज़ पाने के लिए भाई साहब कुछ छम देता है कि दो मिनट में अपने शॉर्ट्स वीडियो को वायरल करो, ये करो वो करो, लेकिन वो जब उनकी वीडियो पर क्लिक करोगे तो देखने को क्या मिलेगा, घंटा। ठीक है, वैसे होता है भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर क्या कुछ करना होगा आपकी शॉर्ट्स वीडियो अगर वायरल नहीं हो रही है, तो चलिए मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर मैं आप लोग को विथ लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कुछ, मैंने यूट्यूब ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो एक शॉर्ट्स का सेक्शन है, चार गो वीडियो यहाँ पर शॉर्ट्स वीडियो नज़र आ रहा है। अब देखो यहाँ पर जो सब वीडियो एंड शॉर्ट्स वीडियो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा एकदम ध्यान लगाने की कोशिश करना, दिमाग लगाना क्या बता रहा हूँ सो, इन सब शॉर्ट्स वीडियो में जो थंबनेल फोटो यहाँ पर नज़र आ रहा है कुछ हट के, ठीक है, यहाँ पर देखो ये तीसरा वाला जो फोटो है भाई साहब, यहाँ पर देख सकते हो इस शॉर्ट्स वीडियो तीसरा वाला, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, देख सकते हो भाई साहब एकदम खतरनाक व्यूज़ है इस शॉर्ट वीडियो पे, एकदम खतरनाक व्यूज़ है। अब शॉर्ट वीडियो में व्यूज़ कहाँ से आता है वो समझने की कोशिश करना। शॉर्ट्स वीडियो में जो व्यूज़ आता है और जो आपकी शॉर्ट्स वीडियो वायरल होती है, वो आपके शॉर्ट्स वीडियो के थंबनेल से वायरल होती है, ना कि टाइटल, ना कि डिस्क्रिप्शन, ना कि ना कि टैग्स, थंबनेल से। सिर्फ आपकी शॉर्ट वीडियो वायरल होगी सिर्फ थंबनेल थंबनेल थंबनेल। अब भाई साहब बहुत लोगों का सवाल रहेगा कि शॉर्ट्स वीडियो में थंबनेल तो नहीं लगता है भाई साहब, अब कैसे लगाएं, वो मेन इंपॉर्टेंट है। अब समझना क्या बता रहा हूँ सो, जब आप वीडियो एडिट करोगे, मान लो भाई साहब आप VN एडिटर ऐप से एडिट कर रहे हो अपने शॉर्ट्स वीडियो को, तो सबसे पहले VN एडिटर ऐप ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने एक वीडियो एक्सपोर्ट करके रखा है, जैसे इस वाले वीडियो पे मैंने क्लिक किया, इस वाले प्रोजेक्ट पे मैंने एक वीडियो देख सकते हो यहाँ पर पूरा एडिट किया हुआ है, ठीक है, शॉर्ट वीडियो है। अब यहाँ पर शुरुआती में देखो ये जो फोटो है मैंने थंबनेल को एडिट करके रखा हुआ था पहले से, देख सकते हो यहाँ पर इस फोटो को मैंने एडिट करके रखा हुआ था पहले से इस फोटो को थंबनेल के तौर पर। एंड यहाँ पर शुरुआती में देख सकते हो इसका लेंथ छोटा करके, मतलब लेंथ इतना बड़ा था, इसको छोटा करके एकदम छोटा कर दिया पूरा, एंड ये मेरे शॉर्ट वीडियो के थंबनेल का काम करेगा। बात समझना क्या बता रहा हूँ सो, पूरा ये मेरा शॉर्ट वीडियो है। अब शॉर्ट वीडियो के शुरुआती में मैंने अपने शॉर्ट वीडियो का जो थंबनेल है अलग से एडिट करके रखा हुआ था, एंड एडिट करने के बाद भाई साहब उस शॉर्ट वीडियो का जो थंबनेल जिसे मैंने एडिट किया था उसको यहाँ पर शुरुआती में ले लिया लेंथ छोटा करके, अब इसको सेव कर लिया। अब सेव करने के बाद भाई साहब जैसे मैं YouTube पे आता हूँ, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके, जैसे मेरा वो जो वीडियो था वो शायद डिलीट हो गया या फिर है यार, हाँ यहाँ पर है, देख सकते हो इस वाले, और देख सकते हो ये वाला वीडियो मेरा एकदम पूरा है वीडियो, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, देख सकते हो ऊपर में एक पेंसिल का आइकन नज़र आएगा, यहाँ पर क्लिक करो भाई साहब, शुरुआती में देख सकते हो यहाँ पर ये मेरा थंबनेल लग चुका है। अब भाई साहब आप अपने शॉर्ट वीडियो को अपलोड करो, टाइटल बढ़िया से लिखो, टाइटल में दो चार हैशटैग यूज़ कर लो बस, ठीक है, कोई भी कुछ मेथड काम नहीं करेगा। आप अगर आपकी शॉर्ट वीडियो में बढ़िया कंटेंट, कुछ वैल्यूबल चीज़ रहा, तो आपकी शॉर्ट्स वीडियो खुद ब खुद एकदम जाने लगेगी, शॉर्ट्स फीड में भेजना नहीं पड़ेगा, एकदम ऑटोमेटिकली चल जाएगी, और ऐसे ही करके आप अपनी शॉर्ट्स वीडियो को वायरल कर सकते हो, ना ही डिस्क्रिप्शन में कुछ लिख के, ना ही टैग्स लगा के ज़्यादा कभी भी वायरल नहीं होगी। आप अपने शॉर्ट्स वीडियो का थंबनेल जो है कुछ एट्रैक्टिव यूज़ करो, लगाओ, ठीक है। गाइस फाइनली ये अपडेट था, अगर आप अपनी शॉर्ट्स वीडियो को वायरल करना चाहते हो तो शॉर्ट्स वीडियो में थंबनेल लगाओ, बढ़िया से काम करो, आपकी शॉर्ट्स वीडियो 110% वायरल होगी। मिलना चाहूँगा अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।